योगी आदित्यनाथ सरकार में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश जारी होने के बाद कौशाम्बी जिला जेल में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप किया जा रहा है। जेल में बंद बंदी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मंत्र के जाप से बंदियों के मन को शांति मिलेगी। ढोल मजीरा के धुन पर महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप करते यह तस्वीर किसी मंदिर की नहीं बल्कि कौशाम्बी जिला जेल की है, जहां पर बंदी सुबह शाम मानसिक शांति के लिए जाप करते हैं। इस मंत्र के जाप से कैदियों के व्यवहार में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। जेल में बंद अलग अलग तरह के अपराधी हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं। इधर 2 साल से कोरोना के कारण ठीक से अपने परिवार से बात भी नहीं कर सके हैं। इसके चलते बंदियों पर मानसिक अवसाद था, लिहाजा सरकार ने बंदियों के मन की शांति के लिए गायत्री मंत्र के जाप का बड़ा फैसला लिया। दरअसल इसके पीछे सरकार की मंशा है कि जब कैदी जेल से अपनी सजा काटकर बाहर निकले तो उनका मन शांत होगा और वो आम नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जेल अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि सुबह गिनती के बाद सभी बंदी सर्किल में खड़े होते हैं, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र 5-5 मिनट पढ़ते हैं। इससे उनको काफी मन की शांति मिलती है। साथ ही एक टीम का गठन भी किया गया है जो रोज भक्ति संस्कृत से संबंधित कार्यक्रम करते हैं। इससे काफी फर्क पड़ा है। जेल में सुबह गिनती के पश्चात सभी बंदी सर्किल में खड़े होते हैं, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ते हैं 5-5 मिनट, और इससे उनको जो है काफ़ी मानसिक शांति मिलती है। और उसके बाद मैं जो है टीम का गठन किया हूँ जो कि नित्य प्रति जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि भक्ति से संबंधित जो है वो कार्यक्रम करते हैं, और इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। जो मन में उनके चिंताएं रहती थी, और भक्ति से वैसे भी आदमी खूब प्रभावित होता है, ठीक होता है। भक्ति करना जो है, संगीत सबके लिए अच्छा है।